लागे है पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है तूने। माँ मृत्युंजय के 10,000 जाप करवाए थे के हर बार मौत को चकमा देके भाग जाती है तू, पर थारी बेटी देवी का बुराई गाय बनके घूमती रहती है। पर गलती तुम्हारी थी कि मैंने दूसरों पे भरोसा रखा, तुम दोनों को मारने का काम दूसरों को दिया। वो चक्कू तारी बेटी का सर पत्थर पे तोड़ तोड़ के मारना था उसे, पर नहीं, खाई में उछाला। वो रमन जिसको मैंने थारी को मारने के लिए भेजा था, वो थारे पे तरस आ गई, बचा लिया था इको पना अपना। अब ना, क्योंकि अब बंदूक हीरा रजावत के हाथों में, अब न बच पाएगी तू। सालों हो गए मासा, फिर भी आप नहीं बदली, जैसी थी वैसी ही है। ना उस वक्त आप हमारी किस्मत बदल पाई थी, ना ही आज कुछ कर पाओगी। बहुत गुरूर है ना थारी किस्मत पे थारे को, पर थारी किस्मत तो आज मैं ही लिखूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी दादी सा। अच्छा है, थारे मुझसे दादी सा सुनना अच्छा लगता है। क्या कहे हमारे को सन की बुढ़िया दादी सा? पर इसका मतलब तो ये हुआ, थारे को थारी सच्चाई मालूम पड़ गई। छे में बर्दाश्त ना करूंगी। अच्छा किया सामने से चल के मारे सामने आ गई। आज तो सिर्फ एक ही गोली और माँ बेटी का साथ में राम नाम सत्या। बल्कि आप जा रही हैं जेल। आप मां के साथ रहिए, ध्यान से बेटा। थैंक यू, आप सही वक्त पर आ गई। धन्यवाद तो देविका का करना चाहिए। एक्चुअली वो मेरा फोन ट्राई कर रही थी लेकिन मेरा फोन नॉट रीचेबल था। उसने मैसेज किया, जैसे ही मैसेज मिला मैं भागकर यहाँ आ गई। वैसे देविका बिल्कुल आपकी तरह ही दिखती है, आपकी बेटी है बिल्कुल। भाग गई बुढ़िया, बहुत फुर्तीली है। देविका
माँ, मारने आई थी वो हमें, फिर भी आप इज्जत देना चाह रही है। ठीक, दादी साहब बहुत स्फूर्ति ली, भाग गई। भाग कर कहीं और नहीं जाएगी, हवेली में ही जाएगी और वहां जाकर एक नई चाल सोचेगी। बस बहुत हुआ, वरुण को सच्चाई बतानी ही होगी ताकि वो सही फैसला ले सके। तुम कहाँ चले गए थे वरुण? पूरी रात बाहर थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी परेशान हो गई थी। आगे से मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना प्लीज। ये छोरा हमारी बेटी के बस में नहीं आवेगा। वरुण, वरुण बेटा कहाँ चला गया था? पता तेरी माँ कितना परेशान हो रही थी। हाँ केसर, धानी, केसर धानी, तुम दोनों सामान बांध लो, काल आ रहा है काल। माँ जी साहब धीरे बोलो ना, अगर इस वरुण ने सुन लिया ना तो हमारा भांडा फूट जाएगा। किसकी बात कर रही हैं? हाँ माँ जी साहब, क्या हो गया? वो आ रही है। कौन आ रही है? कौन माँ जी साहब? तुम सबका काल। मासा, विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस घर में वापस आ गई। ये मेरा ही घर है ना, आ गई वापस। आ तो गई है पर तू जिंदा वापस ना जाएगी। वरुण बेटा, ये देवी है, देविका की माँ। तू नहीं जानता उसे, पर उसने मारे लाड़े सर को मारे से छीना है, मरवाया है उसे। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। एक और कहानी बना ली। जवाई साहब, माजी साहब सच कह रही है, ये देवी, इसे मैंने अपनी छोटी बहन से भी ज्यादा माना, और इसने क्या किया? धानी से उसके पिता का साया छीन लिया, और जब देवरता के साथ हमारा देवरवट्टू होने वाला था तो इसने उनको भी हमसे दूर कर दिया, और आज ही हमारी बेटी का प्यार उससे छीनने आई है। बस करो तुम सब। कितना झूठ बोलोगे? 20 साल पहले हीरा रजावत ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की थी,
मुझे खाई से फेंकवाया था और कल रात भी अस्पताल आई थी मेरी माँ को मारने। नहीं, झूठ बोल रही है छुरी। जैसी माँ ऐसी बेटी, झूठी बच्चलन। मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो बस करो देवी का, हाथ होती किसी चीज की। इन लोगों ने मुझे पाला है, अपना पन दिया, मैं इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैंने धानी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ही सामने इन पर इल्जाम लगाओगी। वाह वरुण वाह, इन लोगों के झूठ का पर्दा तुम्हारी आंखों पर इस कदर पड़ा हुआ है कि तुम्हें सच और झूठ पता ही नहीं चल रहा। महेश्वरी नहीं, आज बोलने दीजिए मुझे, क्योंकि अगर आज नहीं बोली तो मेरी कोख शर्मिंदा होगी। शर्माएगी मुझ पर कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया। इतने सालों से इससे दूर रहने का गम हो रहा था मुझे, लेकिन आज आज अफसोस हो रहा है इसकी परवरिश पर। ये क्या कह रही हैं आप? मां, क्यों बसंती, कुछ बोलोगी नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बोलने को है ही नहीं। 23 साल पहले तुम मेरा बेटा चुरा कर भाग गई, और मैं उससे मिलने के लिए तड़पती रही, और जब इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला तो मुझे अपनी ममता की दुहाई थी, मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं उसे सच्चाई ना बताऊं, मुझे ब्लैकमेल किया कि तुम पूरी दुनिया को मेरे पापा का किया हुआ जुर्म बता दोगी, और मैं बेबस लाचार चुप रही, अपने बेटे को बेटा ना कह सकी। लेकिन आज आज चुप नहीं रहूंगी। तुम तो इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को सिर्फ पाला है, उसकी परवरिश नहीं की। तकलीफ हो रही है हमें कि हमारा खुद का बेटा सच और झूठ में फर्क नहीं पता कर पा रहा। बताइए मां, बोलिए, क्यों मुझे इस घर से घायल करके बाहर निकाला था? क्यों वरुण को सब झूठ बोला? बताइए मां। क्यों शामिल हो गई थी इन लोगों के साथ? आप क्यों चुप हो बसंती? आप तो बोल दो। जिस राज को छुपाने के लिए तुम अन्याय का साथ दे रही थी वो खुल चुका है। सच बता दो। क्या है सब मां? हाँ, मुझे सच बता। बता मां। तुझे मेरी कसम है माँ, तुझे मेरे सर की कसम है। माँ बोल, बोल, जो कुछ भी इन्होंने कहा वो सब झूठ है। बोल माँ, ये झूठ बोल रही है। ये सब
महेश्वरी जी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। वही तेरी माँ है। जब महेश्वरी जी तुझे खून देने आई तो देवी का उनकी पूछताछ में लग गई। मुझे लगा अगर देवी का कुछ सच्चाई का पता चल जाएगा तो वो मुझे तुझसे दूर कर देगी। लेकिन उससे पहले मासा को सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने मुझे धमकी देके अपने साथ मिला लिया। बेटा, इस घर में अगर कोई सच्चा इंसान है तो वो देवी का है, बस देवी का है। उसने तेरे लिए डॉक्टर दक्ष से शादी करी। मैंने देविका के आगे झोली फैला के भीख मांगी थी कि वो डॉक्टर दक्ष से शादी कर ले और तुझे छोड़ दे। उसने शादी के बाद भी तुझे नहीं छोड़ा, तेरा ख्याल रखा। और जब डॉक्टर दक्ष ने भी तुझे सच्चाई बताने की कोशिश करी लेकिन मासा ने उसकी बहन को अपने कब्जे में कर लिया और उसे मजबूर किया कि वो तुझसे झूठ बोले। क्या कर रही हो तुम? अब तो तुम्हें सब पता चल गया ना, सब सच पता चल गया। ये भी पता चल गया कि देवी सच्ची है, वो धोखेबाज नहीं है। अब तो तुम उसी के पास जाओगे ना, उसे ही अपनाओगे। पर मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम भी सुन लो वरुण, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और के भी नहीं हो सकोगे।